अगर आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ढीली पड़ गई है और समय से पहले आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आती जा रही हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी टेंशन को दूर करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। आज का मेरा सिर्फ ये सिंगल पैक ना सिर्फ आपकी झुर्रियों को, आपकी स्किन को टाइटन करेगा, बल्कि आपके कॉम्प्लेक्शन को भी लाइटन करेगा। देखिए, कॉम्प्लेक्शन तो चाहे जो भी हो, लेकिन जब उसके ऊपर हमारी काली परत सन टैन की या सर्दी गर्मी की जब हमारी स्किन पे इफेक्ट आता है, हमारी स्किन एकदम डल पड़ जाती है, पिंपल एक्नेस आ जाते हैं, उस लेयर को ये हटाएगा जिससे आपकी स्किन का कलर ऑटोमेटिकली लाइटन लगना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देरी मत कीजिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटी जो घंटी आइकन होती है ना उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी प्यारी प्यारी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, इस फेस मास्क को अपनी मम्मी, दादी, नानी और अपने रिलेटिव से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये झुर्रियां भी तो दूर करेगा ना, तो सब आपकी तारीफें ही करते रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, इस एंटी एजिंग मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक अंडा। अंडा क्या करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से टाइट करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है। आपकी स्किन जितनी लटक गई है, झुर्रियां आ गई हैं या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ढीली पड़ चुकी है तो आपको ये वाला मास्क जरूर ट्राई करना चाहिए। इससे आपकी स्किन के रिंकल फाइन लाइंस तो जाएंगे और आपकी स्किन एकदम खिंच जाएगी, कसाव आ जाएगा उसमें, बहुत बढ़िया। तो जरूर इस मास्क को ट्राई करें। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हनी। यहाँ पे मैं आइडिया से डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। हनी जो होता है आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग, शाइनी बनाता है, आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपके पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक पाउच कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर क्या करता है, आपकी स्किन से जितनी भी डेड लेयर हो गई है उसको बहुत अच्छे तरीके से हटाता है, आपके इंटरनल जो सेल्स होते हैं न्यू सेल को जनरेट करता है, आपकी जो डेड लेयर जम जाती है फेस पर, आपकी स्किन बहुत डेड हो जाती है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करके आपकी स्किन के टेक्स्चर को फ्लॉलेस बनाता है। अब हम इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं और वो है अखरोट का तेल। अखरोट का तेल आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो बॉटल पूरी यूटिलाइज हो चुकी है, मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ तो आप उसका हालत देख सकते हो। अखरोट का तेल सबसे पहली बात आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स जो आ चुके हैं स्किन पर उसको हटाता है, आपकी स्किन पे जितनी भी पिगमेंटेशन है उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिमूव करके आपके स्किन के कलर को फेयर करता है। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका स्किन का जो कलर है वो एक दो शेड लाइटन हो गया है इस मास्क को अप्लाई करने के बाद। तो आप इसमें एक चम्मच अखरोट का तेल ऐड करें। मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा और नहीं मिला तो मेरे से आके ले लेना। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चुटकी भर हल्दी। हल्दी होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के अंदर और ये हमारी स्किन से जितने भी दाग धब्बे हैं, आपके मुंह पे कितने भी गहरे गहरे स्कार्स हैं ना, ट्रस्ट मी ये दूर हो जाएंगे बिल्कुल। आप कहते हैं ना, जितनी मर्जी झाइयाँ आ चुकी हैं मेरे फेस पर, मैं क्या करूँ दी, कोई रेमेडी बताओ। तो आप अगर 16 की हो, 20 की हो या 60 इयर्स की हो, 60 साल की भी हो, तो भी आप इस मास्क को अप्लाई करके अपने स्किन के कलर को, अपने स्किन पे जो झाइयाँ आ चुकी हैं, पिंपल मार्क्स आ चुके हैं, आपकी स्किन कहीं से काली कहीं से ठीक, ऐसे पैच पैच आपके स्किन पर दिखते हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़िया तरीके से दूर करेगा। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर हमारी रेमेडी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए अपने फेस की बारी आती है उसको सुंदर सा बनाने की। तो देरी किस बात की यार, अब फटाफट से अपने फेस पे लगाने के लिए ऐसे ही शुरू नहीं हो जाना। पहले अपने फेस को अच्छे से क्लींस कर लीजिए, किसी क्लींजर से या फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपने इस फेस पैक को या तो हाथों की हेल्प से या इस तरह का आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे वैसे वैसे हल्का सूखता जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फेस पैक लग चुका है। 5 मिनट के लिए आप इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको अपने पूरे फेस पे फेशियल मसाज देनी है। फेशियल मसाज इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। अगर आपके पास कोई फेस मसाजर मशीन है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी उंगलियों की सहायता से इस तरीके से जैसे मैं आपको मसाज करके दिखा रही हूँ सेम आप इस तरीके से मसाज करिए।
और जैसे मैं प्रेशर पॉइंट प्रेस करके दिखा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही प्रेस करना है। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके फेस में एक अलग सा ग्लो आएगा। आप इस तरीके से आप पूरे फेस को मसाज करने के बाद अपना फेस धो लीजिए, और धोने के बाद नोटिस करिएगा आपके फेस पे बहुत ही अच्छा वाला ग्लो आने वाला है। तो देरी किस बात की दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। इस फेस मास्क को अप्लाई कब करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। हफ्ते में आपने 3 बार इसको इस्तेमाल करना है, वो भी रात को सोने से पहले, और उसके बाद आपको फेस धो के कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है और सो जाना है। क्योंकि अगर आप डे टाइम इसको अप्लाई करेंगे और बाहर जाएंगे तो आपकी उतनी ही डस्ट आपकी स्किन में जाएगी, जिसका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। हो सके तो एक काम करिएगा कि पानी बहुत ज्यादा पिए और मेकअप से बचें। जितना कम मेकअप अपने फेस पे लगाएंगे उतनी ही कम जल्दी आपकी एजिंग आएगी और आपकी स्किन खराब नहीं होगी।